अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद इस्माइल और आप देख रहे हैं आज न्यूज़। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी ढाई डीसी ऑफिस के सामने, जहाँ जमात इस्लामी की जानिब से 11 जगहों पर धरना दिया जा रहा है। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे के मनाजिर। जी बर्बाद करके रख दिया है इन्होंने, शहर कराची को हर तरफ चले जाए, डिफेंस चले जाए, पीसीएस चले जाए, पड़ंगी आ जाए, लाठी चले जाए, हर तरफ एक ही सूरत हाल नजर आती है। कहीं गटर का पानी है, कहीं पानी पीने का पानी नहीं है। हमारे पास हमारे बाबात हमारे पास सब उजाड़ दिए गए हैं, हर तरफ निराली खिला दी गई है। और मेरे भाइयों और दोस्तों, मुंतखब लोगों के पास कुछ अख्तियार नहीं है, हम इस ताशुब के इस बिल को कंडम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। हम ये कहते हैं कि अब आपको इसका हक कराची का हक देना होगा, अगर आप इस हक को नहीं देंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर रद्द अमल भी होगा। आज पुरअमल रद्द अमल है, 11 मुकामात पर जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने तहरीक का ऐलान किया है। एक तसलसल के साथ हम इस जद्दोजहद को करेंगे, आज से इसका आगाज हमने कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अब्दुल जमील खान है और साबिक नाजिम कोरंगी टाउन में रहा हूं और इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का अमीर जमात इस्लामी। और आप जानते हैं कि जिस तरीके से एक मजबूजा बिल सिंध गवर्नमेंट ने पास किया है, जिसमें शहर हुकूमत के तमाम इख्तियारात को और उसके जितने भी इदारे थे उन सब को सिंध गवर्नमेंट ने अपनी तरफ ले लिया है। हाफिज साहब ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें यह ऐलान किया था कि हम इसके खिलाफ एक तहरीक चलाएँगे। और अल्लाह का शुक्र है कि आज कराची के 11 मकामात पर धरने हो रहे हैं, जुमे को यौम सियाह होगा और इंशाल्लाह 12 दिसंबर को हम इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद करेंगे। तो ये रैली का क्या मुकाम है, ज़रा आप बताएंगे? रैली तो हमारी बंदर रोड पे ही होती है, ये नुमाइश से लेके आगे का कॉन्वर्ट चलेगी और इसका प्रोग्राम इंशाल्लाह आ जाएगा। अब देखिए, इस बिल में सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि कराची के तमाम हकूक को, उसके एसेट्स को, उसके रेवेन्यू को, सबको सिंध गवर्नमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। पहले बहुत सारी चीज़ें चली गई, ट्रांसपोर्ट भी जा रहा है, KBCA भी चली गई, वाटर बोर्ड भी चला गया और तमाम तालीम इदारे जो शहरी हुकूमत के पास थे वो भी चले गए और जितने हॉस्पिटल थे वो भी जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि फिर शहरी हुकूमत क्या करेगी? शहर के तमाम मसाइल पे कब्जा करके सिंध गवर्नमेंट, जो कि दरअसल पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है और हमेशा कराची दुश्मनी इसका एक बहुत बड़ा तुर्रा इम्तियाज रहा है हमेशा इन्होंने कराची का। आज आप देखिए कि 18 साल से ये इस शहर पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन कोई एक भी स्कीम ऐसी नहीं है। ट्रांसपोर्ट के हवाले से हमारे बच्चे परेशान, लोग परेशान, मोटरसाइकिल और रिक्शा और चिंचियों पे गुजारा कर रहे हैं। कोई ग्रीन बस नहीं चली आज तक, नेमतुल्लाह खान के ज़माने में बसें चली थी, उसके बाद गायब हो गई। आज सूरत हाल यह है कि पूरा शहर लावारिस है, कचरे का ढेर है और तमाम सड़कें टूटी फूटी हैं, इसको कौन बनाएगा? इस बिल के ज़रिए से वो कब्जा कर जाते हैं शहरी हुकूमत के वसाइल पर और हम इसके खिलाफ इंशाल्लाह जद्दोजहद करेंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, जो छोटा सा शहर का। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हफीज़ मौजूद है, इनसे जानते हैं इस धरने के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब, जैसा कि आपने पूछा है कि आज ऐसा क्या हुआ है, हम क्यों शहर कराची के 11 मुकामात पर आज जमात इस्लामी के कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर हम अपने इस शहर कराची के वासियों को, जो 3 करोड़ की तादाद में, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि आज के इस जागते हुए शहर के साथ किस तरह पीपल्स पार्टी ने अपनी गुलामाना और एक वडेरा शाही जहनीत के तहत इस शहर के हकूक को किस तरह गसब किया है, किस तरह मेयर और आपके मसाइल को हल करने के बजाय मज़ीद उसमें इजाफा किया है। तो हम ये चाहते हैं कि हम कराची के लोगों को अवेयरनेस भी दें और इस बिल को, जो बलदियाती एक्ट 2001 के नाम से इन्होंने मंजूर किया है असम्बली के अंदर, जबरन ज़बरदस्ती इसको मंजूर किया है,
जो कि वहाँ पर अपोजिशन भी एहतजाज कर रही है, जमा इस्लामी भी आज रोडों पर निकली हुई है। बुनियादी तौर पर ये आवाम के साथ एक धोखा है, एक काला कानून है जिसको हम मुस्तरद करते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं और मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर गवर्नर सिंध भी इसका नोटिस लें और इसको मुस्तरद करें, रिजेक्ट करें और असम्बली में दोबारा अजलास बुलाकर और इसके ऊपर बहस की जाए और इस बिल को रिजेक्ट किया जाए। और तमाम अपोजिशन जमातों से भी हम मुतालबा करते हैं कि वो भी इसको रिजेक्ट करें और इंशाल्लाह आवाम ने तो इस बिल को पहले दिन ही मुस्तरद कर दिया है। बहुत शुक्रिया इंजीनियर नवीद अख्तर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस एहतजाज के बारे में ये क्या कहेंगे। जी बहुत शुक्रिया, सबसे पहले मैं आज चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मौका दिया। बुनियादी तौर पर जो है वो 3 करोड़ आवाम जो कराची के अंदर बसते हैं, ये उनके हुकूक पर डाका है जो कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो शब खून मारा है और कराची के मुस्तकबिल के ऊपर ये बहुत बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है। और जमात इस्लामी इस वक्त पूरे शहर के अंदर 11 मकामात के ऊपर ये धरने दिए हुए हैं। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन जद्दोजहद पे हम यकीन रखते हैं और जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज़ नईमर रहमान हक दो कराची तहरीक को मुसलसल कई बरसों से जो है वो लेकर चल रहे हैं और इंशाल्लाह हम जो है वो इसी चीज़ का इरादा करते हैं कि ये जुल्म का जो निज़ाम है और ये जालिम जो हम पर मुसलत हैं पीपल्स पार्टी की सूरत में और सिंध सरकार जो कि इन्होंने ये बल्दियाती एक्ट के अंदर जो तरमीम की हैं, ये बुनियादी तौर पर जो है इन्होंने इस पूरे बजट पर डाका डाला है और अवाम जो है वो अवाम के साथ ये बहुत बड़ी जुल्म और ज़्यादती है। हम फौरी तौर पर मजम्मत करते हैं कि इसको वापस लिया जाए और जो बल्दियात के जो इख्तियारात हैं उनको जो है वो बल्दियात के इदारे के अंदर जो है वो रखा जाए। तो ये आपका एहतजाज जो है 11 जगहों पर जारी है, तो अभी आगे का आपका क्या लाए अमल है? देखें हमारी जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हक दो कराची के हवाले से मुस्तकिल हम जो है वो सड़कों पर मौजूद हैं, मैदान अमल पर मौजूद हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह उसके नतीजे में हल हुई हैं। तो अगला जो लाए अमल है हमारा इंशाल्लाह 12 दिसंबर को एक अजीम शान जो है वो हम कराची बचाओ रैली करने जा रहे हैं। देखें मैं आपके सामने ये अर्ज़ करूँ कि ये मसला जमात इस्लामी का नहीं है, हाफिज नईमर रहमान का नहीं है, ये कराची का मसला है और कराची इस वक्त कराची के लोग चाहे वो उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो वो परेशान हैं। वो इस वक्त जो है वो देख रहे हैं जमात इस्लामी की तरफ और जमात इस्लामी हल है इस सारी मुश्किलात से निकलने का। और इंशाल्लाह ये जो 12 दिसंबर का हमारा बहुत बड़ा कराची का अजीम शान तारीखी जो है वो हक दो कराची मार्च, कराची बचाओ मार्च होगा, हम समझते हैं कि ये उसके नतीजे में जो है वो ये हमारी तहरीक भी आगे बढ़ेगी और हम कराची की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। अगर हम इसी तरह बैठ के खामोशी के साथ देखते रहे, अगर हमने आज भी इसके आगे बंद कर दिए, आज भी हमने आमीन कह दिया, तो आप यकीन जाने कि आने वाले दिन में इंतहाई की बात है। हम सबको एक बड़ी जद्दोजहद का आगाज करना चाहिए और वो जद्दोजहद के चेयरमैन जनाब दीवान साहब अपने ख्यालात का और बड़े जज्बात का इजहार कर रहे थे। इंशाल्लाह को जगाने की कोशिश की है कि इंसानों जाग जाओ और पीपल्स पार्टी के वडेरा चाहे इस सोच को, उस गुलामाना सोच को तब्दील करने के लिए जमात इस्लामी के कारवां में शरीक हो जाओ। जितनी चाइना कटी है, इन जालिमों ने जितने जुल्म किए हैं, चाहे वो बैरियर टाउन ही क्यों ना हो, बड़े से बड़े फिरौन के सामने अगर डटकर कोई आवाज है तो वो जमात इस्लामी है। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज साथियों, ये अजब ड्रामा हो रहा है, ये सिंध सरकार इसने एक अजीब ड्रामा किया है, इसने शब्द मारा है, इसने हमारे मुस्तकबिल पर जी नाज़रीन अभी के लिए अपने मेहरबान सैयद इस्माइल को दीजिए इजाज़त, कैमरामैन जुबैर बाबा के साथ आंच न्यूज़ कराची।